हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अपना मैथमेटिक्स एग्जाम अपने स्कूल में फाइनल बार लास्ट बार लिखकर आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमिट कर रहे थे कि सर क्या ये क्वेश्चंस आएंगे, कि हम यहाँ से पढ़े हम वहाँ से पढ़े। फाइनली आप क्वेश्चन पेपर देख लिए होंगे, क्वेश्चन पेपर आपने लिखा होगा, आपको खुद पता है कि कितने परसेंट मैंने दिया है, वो आया है। आप कमेंट करके बताना, मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जितना भी एक्सपेक्टेशन क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक आध एक दो क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो कॉन्सेप्चुअल पूछे गए हैं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है, टॉपिक से हटकर कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं दिया गया है। बहुत ईजी, पिछली बार से अगर आप प्रैक्टिस पेपर वन प्रैक्टिस पेपर टू को अगर कंपेरिजन करेंगे, प्री फाइनल का पेपर बहुत ही आसान था मेरा मानना है। पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, आपको कैसा लगा होगा। मैं जहां तक समझता हूँ 60-70% पेपर तो बहुत आसान था, एक दो तीन क्वेश्चंस छोड़कर आपके लिए। मेरे लिए सारा पेपर इजी था, और इसी से कंपेयर हम करके एनुअल एग्जाम्स हम लिख सकते हैं। एनुअल आपको कॉन्फिडेंस से ले जाना है, जितना ये इजी था उससे दुगना तिगना और इजी रहेगा एनुअल एग्जाम्स। यहाँ पर अगर कोई चैप्टर का क्वेश्चन आपके पास मिस हो गया है या कोई क्वेश्चन आप नहीं करे हैं उस पर कंसंट्रेट कीजिए, या क्वेश्चन पढ़कर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है, वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बार सारे क्वेश्चन पेपर को रेक्टिफाई आप कर लीजिए। मैं भी इस क्वेश्चन को रिव्यू करूंगा, क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करूंगा, पहले ऑब्जेक्टिव के आंसर्स आपको अपलोड करूंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव करूंगा, वहां पर भी आप चेक कर सकते हो कि कितने आपने करेक्ट लिखे हैं कितने रॉन्ग लिखे हैं। बहुत सारा एक बार मौका आपके पास है कि एनुअल की तैयारी पूरी अच्छी तरह करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ टाइम 8-9 दिन 10 दिन जो भी बचे हैं उसके अंदर हमको भरपूर तैयारी करना है। बस ये सोच के जाना है किसी तरह हम एनुअल में अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। कुछ भी कीजिए, क्या कैसे भी कीजिए, कितना भी हार्डवर्क कीजिए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स। मेरा भी वही इंटेंशन है। सारे स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेहनत से पढ़े हैं, उनकी मेहनत को रिजल्ट देने के लिए, उस मेहनत को रंग डालने के लिए एनुअल एग्जाम्स ही एक आपका जरिया है। तो फाइनली आज का प्री फाइनल एग्जाम्स बहुत ही अच्छा था। आप कमेंट करके बताना, आपके कमेंट को मैं पढ़ूंगा, सोचूंगा कि आपने किस तरह लिखे, क्योंकि कमेंट के थ्रू ही हमको पता चलता है कि आपका पेपर कैसे गया। हम तो इंटरेक्ट कमेंट ही एक जरिया है हमारा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियोस के बाद आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे।